प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे एक युवक को गिरिडीह के झगरी में शुक्रवार दोपहर कुछ युवकों ने दबोचा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। वैसे अन्य दो आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। फरार हुए दोनों युवक भी शहर के कुरैशी मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय युवकों के हत्थे चढ़ा युवक मांस कारोबारी राजा कुरैशी है और शहर के कुरैशी मोहल्ले में अपने दोनों साथियों के साथ मांस का कारोबार किया करता है। राजा कुरैशी की पिटाई के बाद युवकों ने उसे मुफस्सिल थाना पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक राजा के पास से पुलिस ने करीब 50 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। इस दौरान युवक से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सारी बातें कबूल कर ली। आरोपी युवक राजा की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ घंटे बाद शहर के कुरैशी मोहल्ले में भी छापेमारी की, लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही उसके अन्य दो साथी युवक फरार हो गए। आज मॉर्निंग में ऑर्बिट होटल के पास एक ऑटो में संदिग्ध मांस का टुकड़ा पाया गया था, जो कि जांच उसमें एक व्यक्ति को भी ग्रामीणों ने रोका था। पुलिस को तत्काल सूचना मिली तो वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। उसमें करीब 40 केजी नॉनवंशीय प्रतिबंधित मांस था और उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया। दो व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अपना राजा अंसारी बताया है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और जो प्रतिबंधित मांस था और जो ऑटो था, ऑटो भी बिना नंबर का था, तो जब्त कर लिया गया है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभी छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम गई थी क्या? हाँ, छापेमारी की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी के भय से जो कांड में संलिप्त थे भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस में सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में, होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।